हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर कर रहे हैं। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव और एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि इस टास्क का बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप लोग इंटीग्रेटेड स्टडी भी अपनी कर पाएंगे, जिसे आप लोग स्मार्ट स्टडी के नाम से भी जानते होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज यहाँ पर आपको आपकी तैयारी का 41वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आज 25 अगस्त है। तो आज आपको देखिए यहाँ पर हिस्ट्री क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है। वैसे तो आपको सारी यूनिट है वो आपको प्रतिदिन एक यूनिट पढ़ने के लिए दी गई थी, वैसे वो खत्म हो चुकी होंगी। अगर बाई चांस आपको थोड़ा बहुत रह गया हो तो हमने एक एक्स्ट्रा दिन आप लोगों के लिए यहाँ पर दे दिया है कि आराम से आप लोग जो भी शेष बचा है वो कवर कर लीजिए। ओके, इसके अलावा देखिए रिवीजन टास्क का एक रिवीजन टास्क आपसे और बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आज आपको रिवाइज क्या करना है। तो पहला तो रिवीजन आपको टास्क नंबर 5 का फुल रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आपको देखिए 2 दिनों से टास्क नंबर 5 का रिवीजन करने के लिए दे रहे थे। टास्क नंबर 5 में हम क्या दिए थे, तो लास्ट मंथ में टास्क नंबर 5 आप लोगों का चल रहा था, जिसमें हम आपको टास्क नंबर 5 में ज्योग्राफी एनसीईआरटी 10th क्लास के आपको पढ़ने के लिए दिए थे। इसके अलावा कुछ आपको मैपिंग लोकेशन दिए थे, तो आपको वो पढ़ लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से टास्क, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि एक अलग से टास्क की कॉपी बना लीजिए और उसमें लिख लिया करिए कि आज के टास्क में क्या है, क्योंकि हम टास्क के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के लिए रिवीजन करने के लिए दिया करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि टास्क नंबर 5 में, 4 में, 3 में, 10 में क्या है? तो जब लिख करके रखेंगे तो आपकी बहुत ही व्यवस्थित रूप से तैयारी हो पाएगी। टाइम टू टाइम रिविजन करेंगे तो आप कभी भी इसमें भूलेंगे नहीं, और साथ में आपका आउटपुट भी ज्यादा रहेगा। ओके, इसके अलावा देखिए आपको एक और रिविजन करना है। तो देखिए आज आपको यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है उसका रिविजन करना है। तो इकोनॉमिक्स की आपको 1 से 2 क्लास रिवीजन करना है, जो भी हम पढ़ाए हैं, जो भी क्लास आप लोग कर चुके हैं। और जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है उन लोगों को इकोनॉमिक्स का रिवीजन नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लास कर ली है तो वो एटलीस्ट 1 या 2 क्लास है वो रिवाइज कर लीजिए। हम आपको 1 महीने के अंदर ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है वो रिविजन करने के लिए देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ना कितनी इंटीग्रेटेड स्टडी आप लोगों की चल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और आईआर हम शाम वाली क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, और करंट अफेयर की क्लास है वो भी आप लोगों की चलती है, वो भी आप लोग देखते होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हम रिविजन करा रहे हैं, मैपिंग टास्क भी करा रहे हैं, और साथ में रिविजन के लिए ज्योग्राफी के लिए आपको दे रहे हैं, और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो क्वालिटी के कराते हैं। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टडी। यानी कि देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री को लिंक करके हम आपको पढ़ा रहे हैं आईआर, और आईआर के साथ में आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आप अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। और इकोनॉमिक्स का है वो आपका यहाँ पर हम रिविजन करा रहे हैं, साथ में आपका यहाँ पर हम ज्योग्राफी का भी रिविजन कर रहे हैं, जिससे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को अच्छे से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, और आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री है वो भी आप लोग पृष्ठभूमि को कनेक्ट कर पाए कि हाँ हिस्ट्री है और ये ज्योग्राफी, जब दोनों काम मिला करके पढ़ेंगे तो बहुत आउटपुट आपका निकलने लगेगा। तो आप लोग सुने होंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, तो यही है स्मार्ट स्टडी की, सभी टॉपिक को एक साथ लिंक करके हम पढ़ते हैं। तो इसी वजह से इस टास्क को बहुत अच्छे से आप लोग नोट किया करिए। ओके, इसके अलावा देखिए आपको और क्या पढ़ना है। तो इसके अलावा आपको टुडे न्यूज़पेपर, मतलब आज का जो भी न्यूज़पेपर है वो आपको पढ़ना है, फुल रीड करना है। फुल रीड करने से तात्पर्य जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको पढ़ने लें। अगर आप लोगों को नहीं पता इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या होती है, कैसे पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वो वीडियो जाकर के देख लेना, उसमें सब विस्तार में बताया। इसके अलावा शाम को 6 बजे आप लोगों की क्लास होगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, हमारा गला खराब हो गया था, बहुत ज्यादा चुभन हो रही थी, तो कल की क्लास ऑफ हो गई थी, कोई बात नहीं आज के आप लोगों की क्लास होगी। ओके, इसके अलावा देखिए हम मैपिंग लोकेशन देख लेते हैं। कुछ मैपिंग लोकेशन आप लोगों के लिए दी गई है, आपका थोड़ा यहाँ पर ब्रेन है उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। और आपको एटलस में देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं लोकेशन, फिर भी आपको अपने एटलस में देखना है, खोजना है अपने एटलस में। ओके, फिर आपको नोट करना है, यहाँ से ही नहीं करना है डायरेक्ट। ओके, थोड़ा सा मेहनत किया करिए आप लोगों के। तो देखिए आपको पहला यहाँ पर देखने को मिलेगा जो सोमालिया पेनिसुलर है वो, तो सोमालिया पेनिसुलर पर ही हम कल आपको छोड़े थे, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोग छोड़े थे। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड साइड जाता हूँ जिससे आपको दिख सके। तो देखिए ये क्या है, सोमालिया पेनिसुलर आपको देखने को मिलेगा, इधर इथोपिया हम लोग देखे थे, लेकिन हम जो सोमालिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लोकेशन ये देखने को मिलेगी। देखिए फिर आपको देखिए यहाँ पर मिटुम्बा आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रेंज आपको देखने को मिलेगी। देखिए मैं साइड साइड जाता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर दिखे। और फिर आपको देखिए यहाँ पर मुचिंगा माउंटेन देखने को मिलेगा, मुचिंगा माउंटेन है वो आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पर मुचिंगा माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर कटंगा,
प्लेट्यू है, तो कटंगा प्लेट्यू वो आपको यहाँ पर इस तरह से कटंगा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर ओकाबैंगो है, ओकाबैंगो स्वाम्प भूमि आपको देखने को मिलेगी, मतलब दलदल भूमि देखने को मिलेगी। जो दलदल भूमि होती है ना, कीचड़ वाली दलदल टाइप की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं स्वाम्प लैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए दलदल भूमि कहाँ है, तो आप लोग नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर नामीबिया है ना, तो यहाँ पर ही आपको ये दलदल भूमि इस तरह से देखने को मिलेगी, ओकाबैंगो। तो ओकाबैंगो है, फिर नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कालाहारी डेजर्ट। और फिर थोड़ा सा और इसकी इस तरह से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर चाप प्लेटू देखने को मिलेगा। और फिर थोड़ा सा एकदम साउथ में आ जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग जो रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये सारी लोकेशन है वो आपको इस तरह से मिल जाएंगी। अब देखिए साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका में ही देखिए हो सकता है नीचे हमारी वो एक लाइन चलती है वाइट वाइट, तो उससे छुप गया हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है, वहां पर ही ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको न्यू बेल बर्क्स करके है, देखिए इसका थोड़ा सा नाम है, वो डिफिकल्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। फिर देखिए ग्रेट नामालैंड है, तो नामालैंड कहाँ पर है, थोड़ा सा आप लोग इस तरह से आएंगे तो यहाँ पर आपको नामालैंड देखने को मिलेगा। फिर देखिए नाबीब डिजर्ट है, वो आपको यहाँ पर नाबीब डिजर्ट है, वो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी लोकेशन है, आप लोग अच्छे से लोकेट करिएगा और एक दो बार पढ़िएगा। ओके, कुछ नाम आपको डिफिकल्ट लगेंगे, कोई बात नहीं है, आप हिंदी में देखेंगे तो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बस एक दो बार है जमान पलटने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, जैसे हम भी अभी बोलते हैं तो कभी कभार टंग होती है, थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, लेकिन इसमें टंग स्लिप हो गई थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग की शाम को यहाँ पर क्लास होगी, आकर के आप लोग अच्छे से ज्वाइन करिएगा। आईआर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत और चीन संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं। इस शाम को 6 बजे आप लोग की लाइव क्लास चलने वाली है। ओके, और देखिए इस तरह से आपको ये सारा टास्क है वो आपको दिया जाएगा, और जो लोग हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, फॉर्म का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप फॉर्म फिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं, ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है। इसके अलावा देखिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह से वीडियो देखने को मिल जाएगी, ये सब विस्तार में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 1 वीक के बाद में आपको यहाँ पर आपका आई कार्ड है वो आपको मिल जाता है, गर्ल्स के और बॉयज के नाम है, तो जिन लोगों के इसमें नाम है तो वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, नाम के साथ में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोगों के बन गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी फिल किया है तो 1 वीक का वेट करना है। ओके, तो आप फॉर्म फिल करने के बाद में लगभग में 1 वीक का वेट करिए करिएगा तभी आप लोगों के लिए मिलता है। ओके, अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, अभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 ही क्लासेस अभी हुई हैं, तो आप लोग आकर के इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसी तरह से अपना प्यार दिखा